रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पुणे में ईडी की छापेमारी हो रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचने के केस में ये रेड पड़ी है और खबरें ये आ रही हैं कि संपत्ति का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो नवाब मलिक से। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पुणे में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर ईडी की छापेमारी चल रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचने के मामले में ये रेड डाली गई है। गैर कानूनी तरीके से संपत्ति बेचने का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुणे में ईडी की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बेचने के मामले पर ये रेड डाली जा रही है। और भवतोष सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के। भवतोष, क्या है पूरा मामला, समझाइए दर्शकों को, रेड डालने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, कुल 7 जगह पे पुणे और उसके आसपास के इलाकों में प्रवर्तन निदेशालय की सर्चे जो रेड चल रही है, ये पूरा मामला पुणे पुलिस ने पहले इसमें एक एफआईआर की थी। ये एफआईआर जो थी, ये वक्फ बोर्ड की लैंड जो बेची गई थी उसमें एफआईआर की थी। उस एफआईआर का कॉग्निजेंस लेके ईडी ने एक पीएमएलए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया था। उसी मामले में 7 जगहों पे इस समय रेड्स और सर्चेज हो रही हैं। इसी मामले को लेके ईडी ने इसकी कॉग्निजेंस लेके सर्चेज कर रही है। आपको पता होगा कि नवाब मलिक के मंत्रालय के अंदर वक्फ बोर्ड आता है और नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में है और काफी ज्यादा मीडिया लाइमलाइट में है, क्योंकि उनकी एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है एनसीबी से, बीजेपी से काफी ज्यादा वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है। इस वजह से इस रेट्स और सर्चेस को काफी, आप कह सकते हैं कि काफी देख सकते हैं आप, कॉन्ट्रोवर्शियल रेट्स और सर्चेस हैं। अभी तक हमें नवाब मलिक का कोई स्टेटमेंट नहीं मिला है, एनसीटी का कोई स्टेटमेंट नहीं मिला है, लेकिन हमें हमारे सूत्र कंफर्म करके कह रहे हैं कि ईडी की रेट्स और सर्चेस चल रही है। भवतोष, गैर कानूनी तरीके से संपत्ति बेचने का मामला है ये, तो किस तरह की धांधली हुई है, किस तरह का जो नियमों को किस तरह पे ताक पर रखा गया, इसी लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक प्रवर्तन निदेशालय ने ये बताया नहीं है, लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी वो पुणे पुलिस की थी। पुणे पुलिस ने इसमें एक एफआईआर दर्ज की थी। उस एफआईआर में ये कहा गया था कि वक्फ बोर्ड की लैंड को इलीगली सेल किया गया था। उस मामले में ईडी ने एक पीएमएलए का केस रजिस्टर किया था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया था। उसके मतलब सिर्फ जमीन को इलीगली बेचा नहीं गया था, उसके बाद शेल कंपनीज को बना के मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। उसको इलीगली जो पैसा जो बनाया गया था उसको इलीगली बेचा गया था। उस मामले में एक पीएमएलए का केस रजिस्टर किया गया था, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो होता है वो नवाब मलिक के मंत्रालय के अंदर आता है। इस वजह से ये रेट्स को आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में फिर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। ठीक है भवतोष, खबर बड़ी है, आप इस पर नजर बनाकर रखिए, दोबारा अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। तो चलिए अब रुक रुक